हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी है सुबह का टाइम और बन रही है हमारी चाय। सबसे पहले जो है हमारी मॉर्निंग में चाय ही बनती है, तो मैं बना रही हूँ चाय। और साथ में देखिए कुकर में मैंने रख दी है आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। मेरे बच्चों की ना फेवरेट सब्ज़ी है ये आलू की सब्ज़ी, और मुझे लगता है मेरे बच्चों के क्या सभी बच्चे ना जो आलू जो है ना बहुत पसंद करते हैं। और हम ना जब भी कोई भी मिक्स आलू मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो समीक्षा और समर्थ क्या करते हैं कि आलू आलू खा लेते हैं ना, और बीच में से जो बाकी की सब्ज़ी है वो छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, और भी वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब झटपट बनने वाली सब्ज़ी है ये अगर आप आलू को उबाल कर बनाओ तो। तो पहले मेरी अभी चाय उबल रही है, तो पहले हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो आप देख सकते हो कि चाय मेरी अभी उबल रही है, और मैं ना अच्छी तरह चाय को जो है ना वो काट काट के बनाती हूँ, क्योंकि चाय जब जितनी अच्छी तरह कट जाए ना तो उतनी ही टेस्टी होती है। तो साथ साथ में मैंने आलू भी रखे हुए हैं, तो सुबह सुबह आपको पता ही है कि कितना काम होता है। मतलब हम लोगों को ऐसा होता है कि अगर हमें हमारे चार हाथ होते ना तो भी कम पड़ते सुबह सुबह, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है। साथ साथ में सब्जी बनाओ, खाना बनाओ और सब काम करो। तो अभी मैं साथ में आलू भी छील रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, और दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रख दी है। तो अभी मेरी चाय जो है वो कड़ रही है, तो मैं आलू छील के रख लूँगी तब तक, फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और मैं फिर बनाऊँगी आलू की सब्जी। आज ना बच्चों को छुट्टी है, समर्थ को नहीं है, समीक्षा को आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी सुबह का काम तो उतना ही बना रहता है चाहे छुट्टी हो या ना हो। तो अभी मेरी चाय भी उबल रही है और आलू भी जो है ना वो छील के बस ख़त्म ही होने वाले हैं। तो अभी आ गई थी किचन में समीक्षा, और थोड़ी सी हेल्प कर देती है कभी बीच में, मतलब बहुत हेल्प करती है मेरी, लेकिन सुबह सुबह तो थोड़ी कम ही हेल्प होती है उससे, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई भी करनी होती है ना। तो अभी चाय में चीनी डाल रही है समीक्षा, और मैंने आलू छील के रख लिए हैं। तो अभी हो गई है चाय, तो चलिए अभी पी लेते हैं चाय। डालने वाली हूँ मैं कप में चाय, तो पी लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो लीजिए अभी बनाने वाली हूँ मैं आलू की सब्जी। तो कढ़ाई को रख दिया है मैंने गैस पे, और अभी कढ़ाई में मैं डालने वाली हूँ तेल। तेल डाल दिया है मैंने अभी कढ़ाई में, और अभी इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना ना अगर आप आलू में डालो ना तो जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है आलू की सब्जी। और उसके साथ हींग डाल दिया, और अब डालने वाली हूँ मैं एक चम्मच जीरा, साबुत जीरा एक चम्मच डालूँगी। इसको थोड़ा सा चटकने दूँगी। ये जो आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी है ना बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए ये डाल दिया मैंने, ये एक मिक्सी के जार में मैंने प्याज लहसुन और टमाटर को ना एक साथ पीस लिया था, इनका एक साथ पेस्ट बना लिया था, और अभी इनको भून लूँगी। अलग अलग से नहीं किया मैंने, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है ना अलग से नहीं बनाया, और टमाटर का एक साथ ही। आप ट्राई कर सकते हो, अगर तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मिक्सी में अगर आप पीस लो फिर इसको अच्छी तरह भून लो ना तो अच्छा टेस्ट आता है, और जल्दी भी हो जाता है अगर आप जल्दी जल्दी में हो ना तो। इस तरीके से बनाओ आलू तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और अभी थोड़ा सा डाल दिया मैंने नमक, क्योंकि नमक डालने से जो है ना हमारे मसाले बड़ी जल्दी पक जाते हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं ढक के रखूँगी मसाले को, बहुत ही कम गैस पे, क्योंकि फुल गैस पे रखोगे तो मसाले हमारे अच्छी तरह नहीं पकते हैं,
तो इसमें मैं डाल रही हूँ बाकी के सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च, देगी मिर्च, और सब कुछ डाल दूंगी इसमें। हल्दी पाउडर, जो भी सिंपल से मसाले आप डालते हो वो डाल सकते हो। और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। आप चाहो ना तो इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ी सी इसमें जो है ना वो खटास आ जाती है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ना, तो मैं बस सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ। और अभी ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए अपने मसालों को, लगभग 2-3 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। तो लीजिए देखिए अभी मेरे मसाले जो है ना पक रहे हैं, थोड़ा सा जो अब पक गया है, थोड़ी देर ऐसे ही इसको पकाऊंगी अभी बिना ढक्कन के। और ये देखिए अभी पक गए हैं मेरे मसाले, आप देख सकते हो कितने, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और अभी इसमें मिलाने वाली हूँ मैं आलू, ये उबले हुए आलू मिला दिए मैंने इसमें। बहुत ही ना सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मतलब आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी थोड़ा सा यार डाल दिया मैंने पानी, और ऊपर से थोड़ा सा डाला नमक, क्योंकि मैंने मसाले में भी नमक डाला था, तो ज़्यादा नमक नहीं डालने वाली हूँ। और अभी इसको रख दूँगी मैं ढक के। और ये देखिए थोड़ी देर ढकने के बाद मैंने बीच में से इसको चला के देखा, तो अभी ये थोड़ी सी पकने में कम थी, और अभी देखिए पक के हो गई है तैयार। और आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इसका। और इसके ऊपर डाल दिया मैंने हरा धनिया, गरम मसाला, और ये देखिए वाह, सच में बहुत टेस्टी बनती है ऐसी सब्जी। प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और बच्चों को बिल्कुल पसंद आएगी। तो आप देख सकते हो कितनी टेस्टी सब्जी बनी है हमारी। तो अभी ना सुबह के बज चुके हैं 9, और मैं अभी खाना वाना बना के आ गई हूँ, और स्मार्ट चला गया है स्कूल। समीक्षा वो झूले पे बैठी है, समीक्षा को है छुट्टी, और धूप भी बहुत है, बहुत धूप निकली हुई है आज। आज ना सेकंड सैटरडे है ना, तो बच्चों को छुट्टी होती है, लेकिन आज ना समर्थ को नहीं है छुट्टी, क्योंकि उसका पेपर है, एग्जाम है ना चले हुए, तो समीक्षा को तो छुट्टियां हैं, और समर्थ छोटी क्लास में है ना, तो उससे उसके जो जल्दी जल्दी जो एग्जाम हो रहे हैं, फिर रिजल्ट भी आना है। और आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि बहुत धूप निकली हुई है। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है। और आज मेरे जो पति देव है ना वो भी घर पे ही हैं, और हम लोग ना ऐसा है कि आज करने वाले हैं भिंडियों की बिजाई, भिंडियाँ है ना उनको बोने वाले हैं, क्योंकि भिंडियों को बोने का टाइम शुरू हो गया है। थोड़ी सी हम बोते हैं सब्जी अपने लिए तैयार करते हैं। तो अभी सुबह सुबह ही ना जब पति देव घर में होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा थोड़ा काम करना ही पड़ता है, ऐसे तो हम अपनी मर्जी से ही काम कर लेते हैं, मतलब जब अपना मन होता है ना काम कर लेना, जब अपना मन होता है तो आराम कर लेना, लेकिन आज अभी वो घर में है ना, तो आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहे हैं। और अभी हम बोने जा रहे हैं भिंडियाँ और फ्राश बीन, थोड़ी थोड़ी बोएंगे हम अपने लिए। और तो चलिए अभी आपको मैं लेके चलती हूँ कि देखती हूँ कि पतिदेव क्या कर रहे हैं। और अभी हम बो लेते हैं भिंडियाँ, और ये लगी हुई है समीक्षा, ये फूलों में ना घास उग गया था थोड़ा थोड़ा, तो आज समीक्षा फूलों की सफाई कर रही है। और ये देखिए हमारे फूल कितने अच्छे हो गए हैं। ये समर्थ ना पानी लगाता है इनको रोज, उसकी ना ड्यूटी हो गई है, लेकिन आज वो गया हुआ है स्कूल, तो आज समीक्षा की ड्यूटी है। और ये देखिए अभी ये क्या करके, क्या कर रहे हो आप अभी ना, आज मैंने बोला ना आपको कि इनको है आज, नहीं ये तो फूल है, आज ना इनको मैं बोल रही हूँ ना छुट्टी है ना, तो देखना ये क्या करेंगे आज। अभी मैं आपको ना लेके चलती हूँ, ये देखिए कितने मेहनती हैं मेरे पति देव, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पे घी की, हाँ आज इन्होंने ना आज ये पूरी खेती बाड़ी एक साथ ही कर जाएंगे सारी हाँ पंप पंप मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो आज ना ये सारा काम करेंगे, और हमको भी नहीं आराम करने देंगे।
ये देखिए, एक ये लगाया है। ये क्या है? करेले का है ना? ये करेले की लगाई हुई है हमने। इतना छोटू सा है ये, देखते हैं कब बड़ा होता है। और ये है घी की, ये भी बहुत छोटी सी है। अभी बारिश नहीं ना हो रही तो बहुत मुश्किल होता है, फिर इनको पानी चाहिए। और ये रखे हुए हैं, ये जो जगह बना रहे हैं ना तो इनको लगाना है। ये देखिए अभी इनमें ही है, ये लाए थे ना हम, तो इनको लगाना है आज। और एक ये लगाया हुआ है, और ये है हमारा धनिया। धनिया भी फूल गया है, बस धनिया की भी तैयारी हो रही है, अभी फूल रहा है, बीज लगेंगे इस पे। कितना सारा धनिया बोया हुआ है हमने। ये है बैंगन का पौधा, अभी बैंगन लगे हुए नहीं है लेकिन इस पे फूल लगे हुए हैं। तो ये देखिए अभी लगा रही हूँ, अभी इसको लगा दिया है। लेके हमारा घी है जो ना वो तैयार हो गया, और अभी हम बोने वाले हैं भिंडियां और क्रॉस बीन। पत्थर बहुत होते हैं यहाँ पे, देखिए पत्थर निकालने पड़ रहे हैं। और ये स्मिक्स आ गई है पानी लेके, अभी स्मिक्स डालने वाली है पानी। घी डाल दिया पानी, और हमारे घी के पौधे हैं ना, देखते हैं कितने दिन चलते हैं, कभी कभी तो सूख भी जाते हैं ये, अभी देखते हैं कितने दिन चलते हैं। इस तरह पानी डाल दिया इसमें, बहुत बस करो अभी। तो अभी हम लोग बो रहे हैं धनिया, और थोड़ी सी बोने वाले हैं फ्रेश बीन। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो बोने, तो देख सकते हो आपके पति देव कैसे बना रहे हैं यहाँ पे जो क्यारियाँ, और मैं भी साथ में बना रही हूँ। सूखी सूखी सी है ना हो गई है ज़मीन, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, कल हुई थी थोड़ी सी, तो हमने सोचा चलो अगर हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी क्यारियाँ तो बोते ही हैं क्योंकि ऐसा तो होता ही है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।